22 12वां बाब और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीख नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगें और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं और गली के कवाड़े बंद हो जाएं जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ाइफ हो जाएं हां जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकलें और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए क्योंकि इंसान अपने अबदि मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर तोड़ा जाए और हौस का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए बातिल ही बातिल वाइस कहता है सब कुछ बातिल है गर्ज अजबस के वाइस दानिशमंद था उसने लोगों को तालीम दी हां उसने बाखूबी गौर किया और खूब तजवीज की और बहुत सी मशलें करीना से बयान की वाइस दिलावेज बातों की तलाश में रहा उन सच्ची बातों की जो रास्ती से लिखी गईं, दानिशमंद की बातें पैनियों की मानिंद हैं और उन खोटनियों की मानिंद जो साहेबाने मजलस ने लगाई हूं और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हूं सो अब ए मेरे बेटे इनसे नसीहत पजीर हो बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है और बहुत पढ़ना जिस्म को थका देता है अब सब कुछ सुनाया गया हासिले कलाम ये है खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुली यही है क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा।